हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं है और कंसेप्टोलॉजी को रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा, क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। अपनी ईमानदारी के साथ जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनका परिणाम कल रिकॉर्ड फाउंड में आया था। जिन्होंने अपने आप को पब्लिसिटी स्टैंड में रखा, जिन्होंने अपने आप को धोखा देने की कोशिश की, जिन्होंने शो ऑफ ज्यादा करने की कोशिश की, एक घंटे पढ़ने के बाद छह घंटे का फील लिया था, वो सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट नॉट रिकॉर्ड फाउंड में आया। मैं लिख के दे सकता हूं स्टैंड पेपर पे कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा कि सर मैंने मेहनत की थी, अपनी ईमानदारी के साथ की थी और मेरा संघर्ष लंबा था, मेहनत जारी थी, फिर भी मेरा नहीं हुआ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है। अपनी कमी को पहचानना। जिन बच्चों का किसी कारण से अगर सिलेक्शन में नाम नहीं आया वो अगर दोषी ठहराएगा तो कोई रत्ती पर फर्क नहीं पड़ना है। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मम्मी पापा ने मौका नहीं दिया, मैं बीमार हो गया था, शादी आ गई, फंक्शन आ गया, ये हो गया, एग्जाम में लेट हो गया, अपरा तपरी हो गई, याद नहीं आया, वो नहीं, अगर ये वाली डिफेंस मैकेनिज्म काम में ले ली तो गारंटी है अगले सेशन में फिर से नोट रिकॉर्ड फाउंड आएगा। बल्कि उसकी बजाय तुम खुद को बोलो कि भाई गलती तो खुद की है, गलती किसी और की नहीं, गलती मेरी है और मेरी गलती का कारण क्या है उसको पहचानो, तभी आपका नेक्स्ट सेशन में सिलेक्शन निकल के आएगा। गलती में पहला कारण क्या तुमने पढ़ाई की या नहीं की, दूसरा गलती का कारण क्या तुमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी या क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या नहीं किया, तीसरा कारण क्या एग्जाम के दौरान तुम अननेसेसरी स्ट्रेस को लेकर के चलते हो, चौथा कारण क्या तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा बढ़ती हुई आ रही है, पांचवा कारण क्या तुम्हें पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आ रही है, छठा कारण क्या तुम एग्जाम से पहले अफरा तबरी की चीजें पढ़ करके खुद को मिक्सअप कर लेते हो, सातवां कारण क्या तुम एग्जाम के टाइम खुद को किताबों से दूर हटा करके अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्वमेंट कर देते हो, आठवां कारण मार्केट के रूमर्स ने तुम्हें नेगेटिविटी में लिया, नौवां कारण एग्जाम की पोस्ट के चक्कर में हम क्या हो गए डूब गए, और दसवां कारण करो या मरो की स्थिति में पेपर में उतर के गए थे कि सिलेक्शन नहीं तो जिंदगी खत्म। यह 10 कारण है एक फेलियर स्टूडेंट के। इन चीजों को ये 10 सवाल खुद से पूछो और हां और ना में जवाब दो और उसके बाद इस चीज को लेकर के एनालिसिस करने की कोशिश करो, डंके की चोट पे सिलेक्शन निकलेगा। ध्यान रखिएगा, न किसी हम सफर से न किसी हम नसीब से निकलेगा, अपने पांव का कांटा अपने आप ही से निकलेगा। ए वतन तेरी जमीन पे मुझे एडियां रगड़ने दे, इसी बंजर जमीन से पानी निकलेगा। सवाल को तो हमने सार्थकता के साथ सिद्ध करके बता दिया कि 360 डिग्री के बाहर एक भी सवाल नहीं था, और वो आपके लिए नहीं पूरे भारत के बच्चों के लिए था। लेकिन सिलेक्शन वही बच्चे निकाल के लाए, लगभग 8-1000 बच्चे जो सेकंड राउंड में आ रहे हैं। तो दूसरे कहां डूब गए, दूसरे अपनी कमी को पहचानो, दूसरे अपनी कमी को पहचानो। और मैं हमेशा कहता हूं पब्लिसिटी स्टंट करना छोड़ दो यार। अब देखो इतने दिन आपका पब्लिसिटी स्टंट चल गया, आज चल पा रहा है क्या? नहीं चला ना, समझ पा रहे हो? इतने दिन मम्मी पापा को बोल दिया मैं 8-10 घंटे पढ़ रहा हूं, दोस्तों को दिखा दिया कि मैं लाइब्रेरी 10 घंटे जा रहा हूं। अब मुझे बताओ किसी बच्चे का नॉट रिकॉर्ड फाउंड आने पर लोगों को रिकॉर्ड फाउंड कहने की हिम्मत या औकात है क्या? नहीं है ना। तो फिर हम तो अब तो सच बोलना ही पड़ रहा है, तो एंड अल्टीमेट तो सच बोलना ही पड़ रहा है, तो शुरुआत में बोल दो ताकि यह कठिन परिश्रम वाला समय नहीं आएगा। अगर पहले दिन ही बोल देते हैं कि भाई मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूं, भाई मैं 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं घंटा भर ही नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, वो सच बोल देते ना तो घरवाले समझाते, कन्वेंस करते, हम समझाते, देश और दुनिया के तमाम वो जो तुम्हारे शुभचिंतक है वो समझाते, ताकि ये नॉट रिकॉर्ड फाउंड वाली स्थिति तुम्हारी पैदा नहीं होती। लेकिन उस चीज से तो तुम उभर ही नहीं पाए, पब्लिसिटी पब्लिसिटी पब्लिसिटी। तो अब करो पब्लिसिटी, नहीं कर पा रहे हो ना। और जितने बच्चे सिलेक्शन निकाल के आए लगातार बहुत भयंकर रूप से बच्चों के कल से मैसेज आ रहे हैं, इवन देन खूब सारे है, कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर बैठे होंगे जिनको पता है कि सिद्धार्थ सर ने हमें अभी तक सिलेक्शन की बधाई का रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि मेरे पास में कितने मैसेज होंगे। अब यह नो डाउट मैं बोलता हूं कि उत्कर्ष परिवार का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपकी 360 डिग्री इतनी बड़ी है कि बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ता है तो वह हमसे जरूर पढ़ता है तो वह थैंक यू जरूर लिखता है या अपने सिलेक्शन का स्क्रीनशॉट जरूर भेजता है कि सर मेरा हो गया, और बधाई ना हमारा हक है। गारंटी आप सब को मेरे दिल की अतल गहराइयों के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के टास्क को कंप्लीट करने का।
अब आप लाखों की संख्या से हजारों की संख्या में आ गए, खुद में यूफोरिया डेवलप नहीं करना है, अब मेहनत को और स्ट्रांग करना है, अपनी तलवार को और तेज करना है और धारदार बनाना है और मेंस को फतेह करके दिखाना है, क्योंकि टारगेट 80,000 की सैलरी है, टारगेट एग्जाम निकालना नहीं है, टारगेट प्री निकालना नहीं है, टारगेट भैया जी मेंस निकालना नहीं है, टारगेट है ज्वाइन करके खाते में सैलरी आना, और सैलरी आएगी तो सुकून मिलेगा, क्योंकि अपना मंजिल एग्जाम देना नहीं होता है, मंजिल रिजल्ट आना नहीं है, मंजिल तो सैलरी है, जिस दिन सैलरी आएगी उसी दिन खुशी से लबरेज हो जाएंगे। तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए, प्री की क्लियर के लिए, मेंस के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जितने बच्चों का जो रिजल्ट रहा, जिस प्रकार से रहा, अच्छा रिजल्ट, सिलेक्शन वाले जितने भी बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको एक पिन किया हुआ लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक को गूगल फॉर्म को ओपन कीजिएगा और अपनी कंप्लीट डिटेल उसमें फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आपके सिलेक्शन में हमारा क्या योगदान देखने को मिल रहा था। चलेगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर, शुरुआत करते हैं आपके मेंस को उसकी औकात दिखाने वाले सवाल को लेकर के। आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा और जो बढ़िया लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। आज के सेशन का पहला सवाल, आंकड़ा अटकना नहीं बल्कि अटक से कटक और कश्मीर से एक कन्याकुमारी तक जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुमने जो लाइन बोली है ना कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। जहां से स्टार्ट कर सको उतनी मैक्सिमम क्लासें देखो। पहला सवाल बोल रहा है प्यारे दोस्तों, क्या बोल रहा है आप लोगों को कि द नर्स इज ए केयरिंग 4-year-old चाइल्ड, अरे एक नर्स केयर कर रही है 4 साल के बच्चे की विद द सिलाइक डिजीज, और जिसको कौन सी बीमारी देखने को मिल रही है, सिलाइक डिजीज देखने को मिल रही है। द नर्स एक्सपेक्टेड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन, क्या देखेगी ऑफ द डिजीज वाइल असेसिंग ए चाइल्ड एंड ऑब्टेनिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट मदर, बच्चे की मां से क्या जानकारियां लेगी। तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ये जो सिलाइक डिजीज है, इसी को अपन गुलेटिन एंटेरोपैथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलेटिन एंटेरोपैथी, इसी को गुलेटिन एंटेरोपैथी बोला जाता है, मरीज में गुलेटिन प्रोटीन की कमी होने के कारण, अरे मरीज में बार्ले रे ओट्स और वीट नाम के खाने का डाइजेशन नहीं होता है, अरे किसका नहीं देखने को मिलता है, बार्ले रे ओट्स और वीट, ये 4 चीजों का क्या नहीं हो पाता है, खाने का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि गुलेटिन की कमी है। तो ऐसे बच्चों में क्या ये कैसी रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है, अरे ये एक प्रकार की क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन है। अब ये एलर्जिक जनरलाइज है या लोकलाइज है, तो याद रखिएगा ये लोकलाइज एलर्जिक रिएक्शन है। अरे ये क्या देखने को मिलती है, लोकलाइज एलर्जिक रिएक्शन है, जिसके कारण बच्चे में क्या देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, डायरिया वोमिटिंग वेट लॉस देखने को मिलता है, अरे क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, कूल स्किन देखने को मिलती है, शरीर क्या पड़ जाता है, ठंडा शरीर देखने को मिलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब इसके लिए डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या देखने को, एक्चुअल में ये करता क्या है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाई गई विलाई को डैमेज कर देता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, सही बात है, अरे क्या करता है, इट डैमेज इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई को डैमेज कर लेता है, तो इसके कारण मरीज में है जो सीवियर डायरिया जैसी चीजें देखने को मिलती है। जांच कौन सी करोगे, तो इस मरीज में बायोप्सी नाम की जांच की जाती है, इस मरीज में कौन सी जांच की जाती है, तो बायोप्सी नाम की जांच इस मरीज के लिए की जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इस मरीज को फिर क्या करना है, खाने में क्या देना है, तो अवॉइड करो, अरे इस मरीज को खाने में अवॉइड करो, क्या खाना अवॉइड करना है, ब्रो वाला, तो सर ब्रो का कैसे पता चलेगा, तो पैक्ड फूड जब भी खिलाओ तो इंग्रेडिएंट देखो, इंग्रेडिएंट का मतलब उसका विवरण देखो कि उसमें क्या क्या बना हुआ है। नेक्स्ट इस मरीज को फिर खिलाने में क्या खिलाना है, एडवाइज करो राइस, इसके अलावा क्या करो माइज, इसके अलावा क्या करो भैया जी, ध्यान रखिएगा मिलेट,
ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या है, कौन, अरे मक्का है बाजरा है, चावल है, ये एडवाइज करो, बाकी वो चीजें अवॉइड करो। अरे इसको खिलाने में क्या खिलाओगे, ये तो कहीं लोग बोलते हैं ना गेहूं से एलर्जी है तो बोल देना, हकीकत में होती है बायोप्सी, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस देखने को मिलता है। अब सवाल ने पूछा है, मां ने क्या बताया, माल न्यूट्रिशन, फाउल स्मॉलिंग स्टूल एंड मसल्स वास्टिंग। पहला बोल रहा है बच्चा माल न्यूट्रिशन में, यानी बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया। आंकड़ा अटक कैसे रहा है, जमीन पे बैठ गए क्या, आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, चलेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया वोमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस है। तो प्यारे दोस्तों यहां जॉन्डिस लीवर का कोई रोल नहीं है तो जॉन्डिस तो नहीं होगा, अरे लीवर का कोई रोल नहीं है तो जॉन्डिस नहीं होगा, उड़ा दो। बाकी वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन तो ठीक है। अगला लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, बेटा कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, फ्लटुलेंस, गैसियस पासेज और एब्डोमिनल क्रैम्प तो होते हैं। अगला लिख दिया नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, अरे बेटा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होता है, लेकिन उस सबसे भी बड़ा ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकारी होगा, क्योंकि खाने में जब खाना ही नहीं खा पाओगे तो शरीर दुबला पतला रह जाएगा, अरे शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला सा देखने को मिलता है। तो सिलाइक डिजीज, गुलेटिन एंटेरोपैथी, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है, और ये कॉम्प्लिकेशन के दौरान आपके हार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब करती है, लेकिन एंड स्टेज में करती है, इनिशियल नहीं करती है। एंड स्टेज में जब सीवियर माल न्यूट्रिशन के शिकारी हो गए तब जाकर के दिल के तार हिलेंगे। जो बंदा ये सोच रहा है कि पहले दिन शुरुआती दौर में हार्ट तक पहुंच जाओगे तो ये तो गलत है। ये तो क्या देखने को मिलता है, माल एब्जॉर्प्शन, माल का मतलब माल से नहीं, माल का मतलब खाने पीने की चीजों का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसी को माल नरिश्ड बोला जाता है। नरिश और चरिश न्यूट्रिशन से जुड़े हुए शब्द हैं जो हमारे एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। मसल वास्टिंग का मतलब पहले फेट, एक्स्ट्रा फेट होती है वो रिजोल्व होती है, और उसके बाद मसल्स का क्या होता है, मसल वास्ट होना शुरू हो जाती है, वेस्ट होना शुरू हो जाती है, गलना निकलना शुरू हो जाती है। अगला, डायरिया में एसिडोसिस होगा, बेस तो निकल जाएगा, इंटेस्टाइन में जो बाई कार्बोनेट है वो निकल जाएगा। चश्मे के ऊपर फोकस नहीं करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, चश्मे तो बहुत हैं, आप बोलोगे तो डेली क्लास में चेंज कर लेंगे, समझ पा रहे हो। डी सवाल ने आपसे पूछा कि द नर्स इज ए केयरिंग फॉर ए पेशेंट हुज द मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिगिन ऑन द अक्टूबर 10 अक्टूबर 2009 को किसी को पीरियड आया, यूजिंग द नेगल्स रूल द एस्टिमेट द डेट ऑफ द बर्थ। ईडीडी निकालना है नेगल्स रूल के अनुसार, कैसे निकाली जाती है, अगर ईडीडी निकालने का फॉर्मूला क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, उसमें क्या जोड़ने हैं, 7 डेज जोड़ने हैं, और उसमें क्या जोड़ने हैं, 7 डेज के बाद में उसमें 9 मंथ जोड़ा जाता है, और उसमें क्या जोड़ा जाता है, 9 मंथ जोड़ा जाता है, ये वाली चीज पे फोकस किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, ये वाली चीज पे फोकस किया जाता है। तो आराम से भैया जी 10 अक्टूबर देखने को मिलेगी, तारीख क्या देखने को मिल गई, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर में 7 दिन जोड़ दो और इसमें जोड़ दो 9 महीने, अपने आप तारीख निकल आएगी। तो 7 जोड़े तो क्या तारीख हो गई, 17 अक्टूबर, और 17 अक्टूबर में 9 महीने जोड़ दो निकल आएगी, भाभी जी बच्चा पैदा कब हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा 10 17 अक्टूबर में, अक्टूबर में 9 महीने जोड़ो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अरे क्या निकल के आ रही है, 17 जुलाई कहीं है क्या, ये 17 अप्रैल है और ये रही 17 जुलाई। तो डेफिनेटली भाभी जी को टुटू कब मिलेगा, इस तारीख को मिल जाएगा। हाँ, ये डेट प्लस माइनस 7 डेज हमेशा चलती रहती है, देश और दुनिया में एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता, नन्ना मुन्ना आलसी है तो 7 दिन लेट आएगा और फुर्ती वाला है तो जल्दी आ जाएगा, बाकी इन तारीखों को आपको टुटू नहीं देखने को मिलेगा।
मिलेगा। वहीं पे इस चीज को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हो, और मॉडिफाई क्या कर सकते हो प्यारे दोस्तों, जैसे कि एलएमपी जो आपने देखी थी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर, क्या जोड़ सकते हो आप? 3 महीने जोड़, अरे सबसे पहले क्या जोड़ सकते हो? 7 दिन जोड़ दो, फिर क्या जोड़ दो? 3 महीने जोड़ दो और माइनस कर दो 12 महीने। तो चीज तो सेम ही निकल के आ रही है। जैसे कि सेम टू सेम चीज में क्या करोगे प्यारे दोस्तों, जैसे कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन 10 अक्टूबर में 7 जोड़े, 17 अक्टूबर में 3 महीने जोड़ दो, अरे 17 अक्टूबर में क्या जोड़ दो? 3 महीने जोड़ दोगे तो क्या देखने को मिलेगा? अरे आगे 3 महीने जोड़ के उसमें से क्या घटा दोगे? अरे ध्यान रखिएगा, ओके, अरे प्लस 12 माइनस माइनस 3 मंथ जोड़ दो, अरे ध्यान रखिएगा उसमें कंडीशन को प्लस माइनस कर सकते हो, 12 और 3 वाला कंसेप्ट जोड़ सकते हो और उसमें 9 घटा भी सकते हो। तो 12 जोड़ के 9 घटा दो, 3 घटा दो, 2 घटा दो, लेकिन इसको लेकर के आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो अपने यही चलना है। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना कि हमेशा नेक्स्ट ईयर आना चाहिए। जब यहां 2009 है तो इस ऑप्शन में फोकस कीजिएगा कि 9 महीने बढ़ेगा तो 2010 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं जल्दबाजी के चक्कर में 17 जुलाई 2009 वाला पहला ऑप्शन हो तो तुम टिक मार्क नहीं कर दो। ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा कि कहीं तुम टिक मार्क नहीं कर दो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि यह फॉर्मूला लगता है 28 दिन के लिए। ये जो आपका ईडीडी वाला फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट 28 दिन के लिए देखने को मिलता है, लेकिन इस फॉर्मूले से प्यारे दोस्तों आप 21 दिनों से लेकर के 35 दिन तक का मामला चेक कर सकते हो। सर अगर किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन 35 दिन से भी बड़ा आ रहा है तो क्या हम इस नियम को काम में ले सकते हैं? नहीं। क्या किसी का 21 दिन से भी छोटा साइकिल आया तो यह नियम चलेगा? नहीं चलेगा। फिर उस कंडीशन में यूएसजी बोले तो सोनोग्राफी के माध्यम से ही हमें इस चीज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब 28 से नीचे की तरफ जाओ तो किसी चीज को माइनस कर देना और ऊपर की तरफ जाओ तो क्या कर देना? प्लस कर देना। अब यहां क्या देखने को मिलता है, मान लीजिएगा मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड किसी भी फीमेल का 10 जनवरी का देखने को मिल रहा है, उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रेगुलरिटी है वो प्यारे दोस्तों 24 दिन की देखने को मिल रही है, बताओ उसकी ईडीडी क्या होगी? सारे बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। अगला सवाल भैया जी दूसरे नंबर का, यह पहले नंबर का सवाल था, दूसरे नंबर पे लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, अरे लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी है दोस्तों किसी का 31 जनवरी का देखने को मिल रहा है, उसका मेंसेज की जो रेगुलरिटी है वो प्यारे दोस्तों 34 दिन की देखने को मिल रही है, अब बताओ उसकी ईडीडी क्या देखने को मिलेगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सारे के सारे धुआंधार जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले बच्चे, पढ़ लो बातें मत करो और आंकड़े को अटकाए हुए मत रखो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या जवाब जाएगा। चलो तो पहले इस सवाल को एज ए नॉर्मल ही सोल्व करना है, उसके बाद प्लस माइनस वाला दिमाग लगाया जाता है। नॉर्मल सोल्व करो, यानी 10 जनवरी में कितने जोड़ोगे? सबसे पहले 7 दिन, फिर 9 महीने। जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो कितना हो गया? 17 जनवरी हो गया, और 17 जनवरी में 9 महीने जोड़ते ही भैया जी जनवरी में, अरे मामला क्या देखने को मिल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अरे तारीख क्या आ गई प्यारे दोस्तों? 17 अक्टूबर निकल आई। अरे क्या निकल आई? 17 अक्टूबर। क्या ये सही है? नहीं, ये उस फीमेल के लिए सही है जिसका मासिक चक्र 28 दिन का हो, लेकिन इस फीमेल का कितने दिन का है? 24 दिन का, और जब दिन कम होते हैं तो घटा दो। 28 से कितना छोटा देखने को मिल रहा है? अरे 28 से कितने दिन छोटा देखने को मिल रहा है? तो 24 होगा तो 25, 26, 27, 28, 4 दिन छोटा है, तो इसमें से -4 करो तो तारीख निकल आएगी 13 अक्टूबर। तो इन भाभी जी का कुरकुरा बच्चा बार कब आएगा? 13 अक्टूबर को आएगा।
अरे टुट्टू कब आएगा? 13 अक्टूबर को आएगा। अगले सवाल की तरफ इधर चलते हैं, इधर क्या देखने को मिल रहा है, 31 जनवरी में जोड़ दिए 7 दिन और फिर जोड़ दिए 9 महीने। जब इनमें जोड़ा तो तारीख आ गई 7 फरवरी और 7 फरवरी में 9 महीने जोड़े। अरे फरवरी में 9 महीने जोड़े तो मामला क्या देखने को मिल रहा है, अरे क्या देखने को मिल रहा है, नवंबर, तो 7 नवंबर निकल के आ रही है। जी हाँ, तारीख क्या निकल आई, 7 नवंबर निकल आई। क्या ये 7 नवंबर सही है? नहीं, अगर भाभी जी का बच्चा 28 दिन का होता तो 7 नवंबर सही होती, वरना तो गड़बड़ है। अब प्यारे दोस्तों, इसका दिए है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का आ रहा है, तो जवाब निकल के आ रहा है 34 दिन का। यानी कितना बड़ा आ रहा है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 दिन बड़ा आ रहा है। तो 7 में भैया जी, 7 नवंबर में 6 दिन जोड़ोगे तो कितना निकल के आ रहा है, अरे 7, 6, 13 देखने को मिल रहा है। क्या हो गई तारीख, 13 नवंबर। अरे मुन्ना, तारीख क्या निकल के आ रही है, 13 नवंबर। तो वो बच्चा आएगा 13 अक्टूबर को, ये आएगा 13 नवंबर को। इसे कहते हैं 7 या 13 13। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। अगर नॉर्मल तक पूछता ये वाली तारीख सही है, एक्स्ट्रा चीज पूछ ली, एक्स्ट्रा चीज का दिमाग लगा लेना, नहीं बोले बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। लेकिन 21 से छोटा और 35 से बड़ा होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एबनॉर्मल होता है, और एबनॉर्मल पे फोकस नहीं किया जाता। गलत हुआ मेरा, कोई बात नहीं, गिरते हैं 100 सवारे मैदाने जंग में, वो तिपली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। या राइट आंसर डी। तो चलो आगे, जूं 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 जूं। अरे गुड़िया रुक जा, पब्लिसिटी स्टंट जो तुम कर रहे हो ना कमेंट बॉक्स में, इसी को कहते हैं, पढ़ रहे हो तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। 40 बार लिख दिया पीआर यादव और टारगेट आई, जो पढ़ते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, यह न सिलेक्शन होने का कारण ही पब्लिसिटी स्टंट है। रील और रियल में बड़ा माहौल होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करें कि रील से दूर रहें, रियलिटी में ज्यादा फोकस करें। पब्लिसिटी स्टंट, दुनिया को क्या बताना है कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, किसी के ऊपर एहसान थोड़ी करते हैं। खुद के लिए पढ़ रहे हैं ना, बस पढ़ते रहो, खुद को बताना है, परिणाम बोलना चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और जो पहले शोर मचा देते हैं ना उनको सफलता का भगवान मौका नहीं देता है, इस चीज को मान के चल लीजिएगा। यह कड़वा सच है, लेकिन कड़वा सच बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और यह एक आईने के रूप में बताने की कोशिश की जा रही है कि आज इस चीज को अगर सीरियसली में ले लोगे तो रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन रोने की नौबत नहीं आएगी, वरना तो वही होगा। दिखावटीपन से हट जाओ, वास्तविकता में खुद को ले आओ। सवाल आपसे क्या पूछ गया और जवाब क्या निकलना चाहिए, सवाल पूछ रहा है द नर्स इज ए, आप लोगों के लगातार ए बी पे जवाब आ रहे हैं, द नर्स इज ए केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज ए डेवलप्ड ए हेल्प सिंड्रोम। अरे नर्स एक मरीज की केयर कर रही है जिसको हेल्प सिंड्रोम हो गया, हिमोलाइटिक एलिवेटेड लिवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। द नर्स नाउ देट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इसको पकड़ो, बस यही उत्तर है। डेफिनेटिव का मतलब अंतिम, अंतिम इलाज के रूप में क्या देखने को मिलेगा, फॉर हेल्प रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या देखने को मिल गया, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेटलेट एंड क्लोटिंग फैक्टर, मरीज में प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर को रिप्लेस कर दो, बीमारी ठीक है। दूसरा, मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूजन चला दो। तीसरा है इंडक्शन ऑफ लेबर एंड डिलीवरी ऑफ इन्फेंट, बच्चे को निकाल दो। और लास्ट बोल रहा है, अरे इंटेंसिव स्टेरॉइड थेरेपी। तो प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, कीमती समय। एक भैया जी प्रेगनेंसी के अंदर नाम सुना होगा, नाम आता है प्री एक्लेम्सिया। एक नाम आता है जिसे बोला जाता है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती है।
ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी के कारण, क्या बोल रहा हूं, प्रेगनेंसी के अंदर मां और बच्चा दोनों हो गए, उनको पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलने के कारण, अरे ध्यान रखिएगा, मां का बीपी बढ़ जाने के कारण, मां में प्रोटीन यूरिया पाया जाने के कारण और उसके शरीर में एडिमा देखा जाने के कारण, कारण कौन निकल के आ रहा है, कारण है प्रेगनेंसी, इसे प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। और प्री एक्लेम्सिया को अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो प्री एक्लेम्सिया के साथ में फीमेल को सीजर का आ जाना, फीमेल को ताणों का आ जाना क्या कहलाता है, एक्लेम्सिया कहलाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी हां। ऐसे मरीजों के लिए अगर आपसे बोले कि आपका पहला कदम जो इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर सके वो क्या होगा, रेस्ट इज बेस्ट, अरे उसे क्या बोला जाता है, तो सबसे पहला इनिशियली अपन को क्या करवा सकते हैं, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है रेस्ट, कि भाई आराम कराओ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की डिमांड है, जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है वो कटे। जी हां। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि सर और कुछ अच्छा करो, और अच्छा करो तो ऑक्सीजन लगा दो, और अच्छा करो तो क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो ताकि ऑक्सीजन की कमी का रोना नहीं रहेगा। ठीक है, आपने बोला और कुछ अच्छा किया जाए ताकि इसका ट्रीटमेंट हो जाए, यानी इसका इलाज ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। क्या मैं सही हूं यहां तक, अगर तो लिख दो यस। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रेस्ट इज बेस्ट, मां रेस्ट करेगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ऑटोमेटिक पहले से कम चल रही है, अभी प्रिवेंट हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया ठीक नहीं होता है रेस्ट से, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हो गया, जैसे ही भैया जी रेस्ट के बाद ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे तो ये प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में जाने को रुकेगा, ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा वाली चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट नंबर पे क्या देखने को मिलता है, जब भी मरीज को क्या हो गया, सबसे पहले रेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, अगली चीज की तरफ अपन जाएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है, उसको ऑक्सीजन दे देंगे, जिससे उसकी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलती है, डिमांड और रिक्वायरमेंट वाली चीजों को पूरा करेंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट देखने को मिलती है। अगर प्यारे दोस्तों MgSO4 के बारे में मैं बताऊं, ये MgSO4 नाम की जो दवाई होती है, इसका थेरेप्यूटिक डोज होता है 4 to 7, 10 के ऊपर टॉक्सिसिटी, 12 के ऊपर सीवियर और 15 के ऊपर मौत जैसी चीजें आ जाती है। इसके साथ में आपको एक तो मरीज का क्या देखना होता है, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, क्या देखना होता है इसके साथ में, रेस्पिरेटरी असेसमेंट देखना होता है, क्या देखना होता है, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, क्योंकि लेस देन 12 रेस्पिरेटरी ब्रीथ हो गई मतलब सोच लेना कि टॉक्सिसिटी है। इसके साथ दूसरा देखने को मिलता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्या देखना होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखना होता है। और तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा यूरिन आउटपुट, क्या देखने को मिलता है, यूरिन आउटपुट वो लेस देन 30 ml। ये तीनों चीजें हमें टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करेगी। अगर रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट हो जाए, अरे क्या हो जाए, ब्रीथ पर मिनट वाली चीज देखने को मिल जाए, अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाए, और प्यारे दोस्तों यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर हार हो जाए, ये सारी चीजें हमें बताएगी टॉक्सिसिटी के बारे में। किसके बारे में बताएगी, ये सारी चीजें हमें टॉक्सिसिटी के बारे में बताएगी। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करने की कोशिश करूं, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है। ध्यान रखिएगा अर्ली इंडिकेशन है, अरे आप गलती से रेस्पिरेशन जवाब मत दे देना, अर्ली इंडिकेशन है। इसका एंटीडोट क्या देखने को मिलता है MgSO4 का, तो आपको जवाब देकर क्या आना है, MgSO4 का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, जिसको 10:10:10 में दिया जाता है। नेक्स्ट जो MgSO4 होता है प्यारे दोस्तों, ये MgSO4 के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है, पहचाननी होती है कि इसको डिजोल्व करने के लिए क्या होता है, तो 1 composition MgSO4 और 1.5 times composition होता है नॉर्मल सलाइन का। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मैं बोलूं कि MgSO4 और भैया जी आपका स्टेराइल वाटर या NS जो भी ले रहे हो, स्टेराइल वाटर
क्या कंपैरिजन होना चाहिए, तो 1:1.5 होता है, यानी एक गुना वो तो डेढ़ गुना ये निकल के आनी चाहिए, एक गुना ये तो डेढ़ गुना वो निकल के आनी चाहिए। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा 0.5 है, अरे 0.5 ग्राम पर ml के अनुसार ये अवेलेबल होता है कौन, MgSO4। MgSO4 की अगर मार्केट से वाइल खरीद के लाओगे तो ये वाइल में कितना मिलेगा 0.5 पर ml के रूप में, अरे ध्यान रखिएगा 0.5 ml पर ml के रूप में अवेलेबल मिलता है। हमें मरीज को कितना देना होता है, 4 देना होता है, और 4 देना है तो प्यारे दोस्तों अगर कोई भी चीज 0.5 ml पर है, 0.5 mg पर ml के रूप में अवेलेबल है, मुझे मरीज को 4 डोज देना है, 4 का मतलब कितना गुणा हो गया, 8 ml देंगे। तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनर का फेवरेट सवाल निकाल के लाता हूं, ये मान लीजिएगा कि आपके कोई ये मरीज की सिरिंज देखने को मिल रही है, अरे इसमें दवाई कितनी भरी जाती है, तो दवाई भरी जाती है 8 ml, और नॉर्मल सलाइन उससे डेढ़ गुणा, तो वो कितनी भरेगी, 12 ml भरेगी। ये आपको थेरेप्यूटिक डोज तक ले जाने का तरीका है, अरे ये आपने 8 ml दवाई भर दी और इसमें है 12 ml नॉर्मल सलाइन भरी है, ये फोटो कई बार पूछा हुआ है, समझ में आ गई मेरी बात कि कितना देना है कैसे देना है। तो डिजोल 12 ml नॉर्मल सलाइन ली, 8 ml दवाई ली, 8 ml दवाई क्यों ली, कंडीशन अवेलेबल है 0.5 ml है, 0.5 mg पर ml का डोज अवेलेबल होता है, तो इस प्रकार से इस चीज को काम में लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन डेफिनेटिव का मतलब सब चीजों का, अरे बीमारी की मूल जड़ है प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा बेवकूफ इंसानों, जिन बच्चों ने जो जो जवाब दिए वो सब गलत निकल के आए। एग्जामिनर ने पूछा डेफिनेटिव अंतिम, अरे ध्यान रखिएगा अंतिम बता दो, अंतिम अंतिम इलाज क्या देखने को, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेटलेट। ओए होए होए होए, अरे मरीज को प्लेटलेट रिप्लेसमेंट, नो डाउट भैया जी, एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन हेल्प सिंड्रोम, क्या देखने को मिलता है, हीमोलाइटिक एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। हीमोलाइटिक एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट वाली चीज है, तो ये बोल रहा है प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर को रिप्लेसमेंट कर दो, तो बीमारी का कारण क्लोटिंग फैक्टर या प्लेटलेट थोड़ी था, नहीं था, उड़ा दो, MgSO4 लगा दो, MgSO4 इलाज का टाइप है। ध्यान रखिएगा ये कोई अंतिम इलाज नहीं है, ये कोई डेफिनेटिव नहीं है, तो डेफिनेशन के लिए क्या जाएगा, इंडक्शन ऑफ द लेबर एंड डिलीवरी, राइट आंसर क्या जाएगा, सी। जिन बच्चों ने सी दिया उन सब का सी, और जिन्होंने सी नहीं दिया उन सब की हो गई सिटियां गुल। अगला बोल रहा है इंटेंसिव स्टर, अरे इंटेंसिव स्टेरॉइड थेरेपी दो, स्टेरॉइड नहीं देना है, अरे स्टेरॉइड तो क्या करेगा, और वाटर को चेंजेज करेगा, वाटर को रिटेंशन करवाएगा, दिक्कतें बढ़ा देगा। अगला सवाल आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इससे आसान फोटो हो नहीं सकता, इन्फ्यूजन पंप है, सिरिंज पंप है, तो ध्यान रखिएगा इसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों सिरिंज पंप, अरे क्या बोलोगे, सिरिंज पंप बोला जाता है। इन्फ्यूजन पंप थोड़ी मशीन मोटी होती है, हालांकि कभी इन्फ्यूजन पंप ऑप्शन, सिरिंज पंप नहीं है तो इन्फ्यूजन जवाब दे दो, बाकी नॉर्मली जो इन्फ्यूजन पंप होता है वो थोड़ा इतना बड़ा मशीन होता है। अब इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ मार्किंग मॉनिटर रीडर होता है, अरे ध्यान रखिएगा ये हमें मॉनिटर है जो जानकारी देता रहेगा कि कितना कर रहे हैं, इसमें 50 ml की सिरिंज लगती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, कोई हाई रिस्क मेडिसिन या कंसंट्रेटेड एक्यूरेसी के साथ किसी को सिरिंज देनी है तो इसको काम में लिया जाता है। ये किसके लिए काम में लोगे, यूज फॉर स्लो एंड
एक्यूरेट इन्फ्यूजन, हाई रिस्क मेडिसिन के लिए काम में लेंगे, हाई रिस्क मेडिसिन के लिए काम में लिया जाता है। यह प्लगर पीछे से आपको कंप्रेस करता रहेगा और अगर किसी कारण से यह बंद हो जाएगा तो इसमें रेड बीप आ जाएगा और चलता रहेगा तो ग्रीन बीप काम करता रहेगा। ये रे ग्रीन और रेड वाले, पावर ऑन किया जाता है, इसमें डिजिट को लिखा जाता है कि कितने पे चलाना है, कितने मिनट से क्या मामला देखने को मिलता है, तो इसे बोला जाता है सिरिंज पंप। ये पीछे वाला स्टैंड है, इसको स्टैंड पे फिक्स कर देंगे और 50 ml की सिरिंज है जो आपको क्या करती रहेगी, ड्रॉप ड्रॉप बूंदाबांदी के रूप में, हाँ पोटेशियम वगैरह के लिए काम में लेते हैं, सही बात है, पोटेशियम वगैरह के लिए काम में लिया जाता है, आईसीयू में, निकू में, पीकू में, ओटी में, इमरजेंसी में, हर जगह काम में लेते हैं। हाँ, इन्फ्यूजन बनाते रहते हो स्लो और एक्यूरेट के लिए, फास्ट फॉरवर्ड के लिए तो पुश ही कर सकते हो। पोटेशियम में तो आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत बार इसको देखा होगा, न्यूबॉर्न के लिए भी देखा होगा। नेक्स्ट आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों, तो एसजीपीजीआई और आरएमएल की वैकेंसी। जी हां प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि आरएमएल की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है और उस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, आरआरबी स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हो, तो इन दोनों के लिए हमने कंबाइंड बैच बनाया है जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, रिकॉर्डेड बैच नहीं, एक्यूरेट नया बैच आया है, लाइव बैच आया है और यह बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से। जी हां प्यारे दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 20, बोले तो अगले 10 दिन के बाद यह बैच आपके सामने आएगा। 1 मई 2024 से यह बैच स्टार्ट होगा और उस बैच की फीस रहेगी 2000 रुपए। हालांकि फीस आपकी 2500 है लेकिन 2000 की फीस में आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो परचेज करते टाइम आपको कूपन कोड अप्लाई करना है नर्सिंग। अरे कौन सा कूपन कोड अप्लाई करना है, तो नर्सिंग नाम का, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको वो खटाक से 500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी और आप अपने आप को मजबूत करोगे। तो जिन विद्यार्थियों का ख्वाब है एसजीपीजीआई आरएमएल और भैया जी आरआरबी की वैकेंसी को फतेह करना, तो अब पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में, तो कुल मिलाकर के इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। डेली 4 से 6 घंटे की रेगुलर क्लास होगी और कंप्लीट थ्योरी बेस देखने को मिलेगा जो आपको सफलता के शिखर पे ले जाएगा। नेक्स्ट आप सब लोगों के सपनों को साकार करने वाला, नॉर्सेट 7 को फतेह करने के लिए मजबूती देने वाला आपका अपना नया बैच आ चुका है नॉर्सेट का, नॉर्सेट के लिए और अरे नर्सिंग ऑफिसर के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम का यह बैच देखने को मिलेगा जोधपुर और जयपुर के लिए। अब यह लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, इसका मतलब ऑफलाइन भी है। जी हां, तो जयपुर और जोधपुर में ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ने वाले तमाम बच्चे, अरे जोधपुर और जयपुर में ऑनलाइन जुड़ने वाले जो बच्चे जोधपुर और जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो तो लेंगे लाइव फ्रॉम क्लासरूम, हूबहू क्लास आपके घर पे आएगी जो ऑफलाइन बेस से होगी, और जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो दोनों सेंटर पे ऑफलाइन जुड़े। बेच स्टार्ट होगा 27 मई से, अरे कब से, 27 मई से। इसके लिए कूपन कोड में लिखना पड़ेगा नॉर्सेट 7, जिससे मिलेगा 3000 की एक्स्ट्रा छूट। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन बेच की ये फीस क्या देखने को मिलेगी, 6000 देखने को मिलेगी। अरे 6000 कब होगा, वैसे फीस है 9000 की, लेकिन जैसे ही आप लिखोगे नॉर्सेट 7 तो कुल मिलाकर के ये आपको फायदा मिलेगा और ये ऑफर की वैलिडिटी है 27 तारीख तक, यानी जब तक बेच स्टार्ट होगा तब तक ये ऑफर आपके लिए देखने को मिलेगी। ऑफलाइन के लिए हमारे जयपुर के अंदर भैया जी इंडो नाइट्स नाम का जो सेंटर देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा जो गोपाल पूरा बाईपास वाला एरिया है रिद्धि सिद्धि के पास में, वहां जाकर के संपर्क करें, आपको ऑफलाइन की फीस का पता चलेगा, ऑफलाइन एडमिशन का पता चल जाएगा, सेम टू सेम बैच रहेगा। और जोधपुर के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, हमारे जालोर गेट वाले सेंटर में जाकर के मिलेगा जहां से संपूर्ण जानकारी और आपका एडमिशन, क्योंकि सीट लिमिटेड है, ऑफलाइन वाले खुद को लेट मत कीजिएगा, मौके पर प्रहार कीजिएगा, कंप्लीट थ्योरी बैच देखने को मिलेगा। बेटा 9000 में से 3 कम होंगे तो 6000 होंगे, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हां जयपुर जोधपुर हर जगह मिलेंगे आपको, चिंता मत करो। नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, तो ये रहा, ध्यान से देखें, पहचाने परखें और अपना बेहतरीन जवाब पुट करें। और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, टुकर टुकर ना देखें।
सबका जवाब ए बी, ए बी के अंतर झोले खा रहे हैं। जिन बच्चों का ए जा रहा है वो एक्यूरेट है, बिना कट कॉपी पेस्ट के जा रहे हैं। जो बी वाले हैं वो ज्यादा दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे सी की तरफ अपनी मंद मंद मुस्कानिया को दिखाना चाहते हैं और कुछ बच्चे डी को लेकर के खुद में उत्सुकता दिखा रहे हैं। देखते हैं कि मुकाबला क्या होगा। ए बी सी डी बोले तो चारों रंग आपको कमेंट बॉक्स में नजर आ गए। इसका मतलब कुछ सही, कुछ गलत, कुछ बेहद गलत और कुछ तो आउट ऑफ बाउंड्री चले गए। पढ़ते हैं सवाल ने क्या पूछा है। सवाल ने पूछा द नर्स अंडरस्टैंड द पेशेंट विद द कोलोनिन रेक्टल कैंसर। अरे मुन्ना, मरीज को कोलोरेक्टल कैंसर है, क्या देखने को मिल रहा है? कोलोरेक्टल कैंसर इज लाइकली टू हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा? हिमेचूरिया, फटीगनेस, वेट गेन, वॉमिटिंग। पढ़े लिखे इंसान का उत्तर बड़ा आसान होगा। अरे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी, ये इसोफेगस, ये आपका स्टोमक, स्टोमक के बाद ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। याद रखिएगा ये कुल मिलाकर के यूं चलने वाला माहौल। याद रखिएगा ये असेंडिंग, अरे ये असेंडिंग कोलोन देखने को मिल रहा है, ये ट्रांसवर्स कोलोन वाला, ये डिसेंडिंग कोलोन वाला, ये रेक्टोसिग्मोइड कोलोन वाला, इंटरनल एनल इंस्पेक्टर और एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर, ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके इंटेस्टाइन वाला पोर्शन चलेगा। क्या मैं सही हूं? जी हां। अगर कोलोरेक्टल कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट बात करें तो मोस्ट कॉमन कहां देखने को मिलता है? सर प्लीज यूज पोल। अरे अरे दोस्तों, पोल तो फुटबॉल के मैदान में भी होता है, यहां पढ़ने की कोशिश करो। कल आया ना पोल का रिजल्ट ही तो आया, क्यों चिंता करते हो? पोल नॉर्सेट निकालता है ना, वो नॉर्सेट को सौंप रखा है, एग्जामिनर को सौंप रखा है, वो रिजल्ट निकालता है, वो पोल होता है। अपन एक्यूरेसी के अंदर हर क्वेश्चन में अपन पोल क्रिएट करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट को भी अपने को सुधारने की कोशिश करनी है। फिर मैं पहले सवाल पढ़ूंगा, फिर एक मिनट पोल का दूंगा, फिर मैं आपके रिजल्ट का इंतजार करूंगा, पोल की चक्री कंप्लीट होगी, ऐसे करके तीन मिनट का मेरा रेशनल सुनोगे ना, 3 घंटे के बराबर कर दूंगा। आ जाओ, अगर बात करते हो मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है तो प्यारे दोस्तों रेक्टम, क्या देखने को मिलती है? रेक्टम वाला पोर्शन आता है या रेक्टोसिग्मोइड वाला। इसके अलावा भैया जी यहां कितने परसेंटेज चांसेज है? 60% चांसेज है कि यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा और कहां देखने को मिलता है तो डिसेंडिंग, अरे और कहां देखने को मिलता है? डिसेंडिंग कोलोन में कितने परसेंटेज चांसेज निकल के आते हैं? 25%। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 10% चांसेज होते हैं कहां के? असेंडिंग कोलोन के। अरे कहां के देखने को मिलता है? असेंडिंग कोलोन के कितने चांसेज हैं? 10%। और 5% चांसेज होते हैं हिपेटिक फ्लेक्सर के। हिपेटिक फ्लेक्सर के कितने परसेंटेज चांसेज है? 5% देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं क्या बता रहा हूं, मोस्ट कॉमन है। अरे मोस्ट कॉमन साइट के लिए ध्यान रखिएगा, यहां 60% चांसेज है, रेक्टम वाला पोर्शन सबसे ज्यादा, डिसेंडिंग वाला 25% देखने को मिलता है, असेंडिंग में 10 हो गया। अरे 10, 5, 15 और 25 कितना देखने को? 40, 40 और 60, 100 हो गया क्या? जी हां। अब नेक्स्ट कोलोन कैंसर के लिए क्या रिस्पेक्टर निकल के आते हैं? तो हाई फैटी डाइट खाने वालों में। चलो कोलोन कैंसर को मोटे मोटे रूप में लपेटते हैं। कैंसर का कोजेज कुछ होते ही नहीं है, सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। कोलोन कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ओल्ड एज, एक तो बुढ़ापा, और क्या हो सकता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अरे अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ओल्ड एज हो गया। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? अरे कोलोन में पोलिप्स बोल सकते हो। कोलोन में क्या देखने को मिलता है? पोलिप्स, जो किसके कारण होता है? क्रोमोजोम नंबर 5 में गड़बड़ होने के कारण, या मरीज में कोई सर्जरी इंटेस्टाइन की करवाई वो सही नहीं हुई, या मरीज में कोलोन में कैंसर कहां से आ गया? मेटास्टेटिस से। या क्या देखने को मिलता है? मरीज में पहले से कोई कैंसर का हिस्ट्री देखने को मिल रहा था, ऐसी कंडीशन में कोलोन कैंसर होता है। और कोलोन कैंसर के अर्ली इंडिकेशन, साइन एंड सिम्टम क्या आएगा? सबसे पहले मरीज में क्या देखने को मिलता है? डायरिया, नॉन पैथोलॉजिकल डायरिया। मरीज में क्या होता जाएगा? वेट लॉस। मरीज का शरीर कैसा देखने को मिलता है? कूल। मरीज को क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया। मरीज में स्टूल में क्या आएगा? ब्लड। अरे क्या देखने को मिलता है? ब्लडी स्टूल देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? ब्लडी स्टूल। जैसा वो ब्लड भी कैसा होगा? पेनलेस होगा।
फ्रेश ब्लड आएगा, उसे क्या बोला जाता है, हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया देखने को मिलता है। तो ये वाले लक्षण किस मरीजों में देखने को मिलता है, इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, कोलेक्टमी यानी कोलोन को निकालना भी पड़ सकता है और कोलोस्टोमी कोलोन का डाइवर्जन भी करना पड़ सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ज्यादा सीवियरिटी नहीं है तो डाइवर्जन कर देंगे और बहुत ज्यादा सीवियरिटी है तो कोलेक्टमी करेंगे। कोलेक्टमी का मतलब कोलोन को निकाल देंगे। तो ये वाला कोलोन कैंसर है। अब इसका जवाब आपसे पूछा है कि कोलोरेक्टल कैंसर के मरीज के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो अब मुझे बताओ इंटेस्टाइन में कैंसर होने से उल्टी का क्या रोल है। अरे ये ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। अरे फूलों की दुकान में फूल सड़ गए तो गोरी को क्या दिक्कत होने लगी है। अरे ध्यान रखिएगा, फूलों के दुकान में फूल सड़ गए तो गोरी के दुकान है, गोरी के मकान को क्या तकलीफ हुई है, गोरी को क्या तकलीफ हुई, कुछ नहीं है। तो जब दिमाग ये लगाओ कि आपको बीमारी नीचे के पोर्शन में है तो ऊपर क्या गड़बड़ देखने को मिल रही है, बिल्कुल नहीं देखने को मिली है। वॉमिटिंग कोई ही क्लासिकल चीज नहीं। वेट गेन, इंटेस्टाइन में कुछ टिक नहीं पा रहा है तो प्यारे दोस्तों वजन बढ़ेगा नहीं मुन्ना, वजन घटेगा, वेट लॉस होता है। और ये पहला वाला हिमेचूरिया लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी। अरे इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी तो हिमेचूरिया ये तो कहां से हो रहा है, यूरिनरी ब्लडर में। यहां क्या देखने को मिलता है, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन। अरे ये ब्लड आपको कहां देखने को मिल रहा है, यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, वो वाली चीज है। इसको आपने ढंग से देखा नहीं, आपको ब्लड दिखते ही आपने सोचा ब्लीडिंग होगी होगी होगी, अरे ऐसे थोड़ी होगी। तो क्या मिलेगी, फटिगनेस यानी थकान। हां क्या मिलेगी, थकान। तो राइट आंसर क्या चला गया, बी। अगला सवाल, आई एम राइट, जिसने सही दिया बढ़िया बात है। हिमेचूरिया होगा ब्लडर कैंसर में, सही बात है, ब्लडर में बोल दो, किडनी में बोल दो। सी बी हर्ट फेल करवा रहे हो, सवाल ने पूछा डेथ आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियम का मतलब हर्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने के कारण मायोकार्डियम में क्या हो जाना, नेक्रोसिस का पोर्शन बन जाना, नेक्रोटाइज टिश्यू का बन जाना, MI कहलाता है। वहां आपको बोला मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, ज्यादातर होता है अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो बेवकूफ इंसानों, एक साधारण सी चीज को लो, इतना क्यों दिमाग लगाया। सवाल आपने हमेशा पढ़ा होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI डिसरिथमिया। अरे पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा वही मोर द मार डालेगा। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाने के कारण ब्लड को पंप नहीं कर पाना, उड़ा दो, हर्ट फेल हो जाएगा। अरे नहीं, हर्ट अटैक होता है, हर्ट फेलियर, कंजेस्टिव हर्ट फेलियर अलग चीज है। पल्मोनरी एडिमा होगा, नहीं तो मौत का कारण कौन होगा, डिसरिथमियाज। अरे राइट आंसर क्या जाएगा, बी। आपने सुना या नहीं सुना, ये रहा आपका हर्ट। अरे हर्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, अरे ये क्या देखने को मिलता है, हर्ट और हर्ट के ऊपर क्या देखने को मिलती है, मायोकार्डियम देखने को मिलती है। ये हर्ट है और हर्ट के ऊपर क्या देखने को मिलती है, एओर्टा, एओर्टा की पहली ब्रांच है, कोरोनरी आर्टरी हर्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई देती है। लेकिन मान लीजिएगा कोई थ्रोम्बस वोम्बस बन गया जिसके कारण, अरे ये आपके हर्ट को क्या नहीं दे पा रही है, ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही है, अरे ये हर्ट को क्या नहीं दे पा रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं दे पा रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, मरीज को क्या देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलेगा।
अरे उसके कारण मरीज को क्या देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या देखने को मिलेगा, एमआई वाली कंडीशन है, और एमआई में मैंने आपको बोला था कि कौन सा मार्कर सबसे पहले मिलता है, मायोग्लोबिन, वापस कौन जाता है, मायोग्लोबिन, सबसे रिलायबल कौन सा देखने को मिलता है, तो ट्रोपोनिन देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि अर्ली सबसे पहले आएगा कौन, मायोग्लोबिन, सबसे पहले डिक्लाइन कौन होगा, मायोग्लोबिन, रिलायबल कौन सा होता है, रिलायबल, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, तो ट्रोपोनिन। अरे ट्रोपोनिन आईसीटी, अरे ध्यान रखिएगा आई होता है, सी होता है, टी होता है, ट्रोपोनिन सबसे रिलायबल है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो फिर सीकेएमबी, अरे सीकेएमबी क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बॉन्ड भी रिलायबल है, और सबसे घटिया कौन सा होता है, एलडीएच होता है। अरे ध्यान रखिएगा लीस्ट इफेक्टिव, अगर आपसे पूछे कि सबसे घटिया कौन सा होता है लीस्ट इफेक्ट, तो जवाब देना है एलडीएच वाला सबसे घटिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मार्कर आपको देखने को मिलते हैं जैसे ही मरीज को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी एमआई हो जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा जैसे ही मरीज को एमआई हो जाता है हमारी प्रायोरिटी क्या निकल के आनी चाहिए, अरे हमारी प्रायोरिटी क्या आनी चाहिए, ओनम, अरे मरीज को क्या लगाओ, ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट मरीज को क्या लगाना है भैया जी, नाइट्रोग्लिसरीन, क्या देना है, नाइट्रोग्लिसरीन। मरीज को क्या देनी है प्यारे दोस्तों, एस्प्रिन देनी है, और मरीज को क्या देनी है, तो मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करेगी, तो मॉर्फिन ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेगी। अरे मॉर्फिन क्या करेगी, ऑक्सीजन को डिमांड कम करने वाली चीज को देखने को मिलेगी। मॉर्फिन क्या करेगी, ऑक्सीजन को डिमांड कम करने वाली चीज के ऊपर फोकस करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमआई वाले मरीज में क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा रिट्रोस्टर्नल, अरे रिट्रोस्टर्नल सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या देखने को मिलता है, रिट्रोस्टर्नल, मरीज को क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट, अरे लेफ्ट साइडेड हैंड पेन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलता है, रेडिएंट हो जाता है। नेक्स्ट मरीज को कहां देखने को मिलता है, नेक में, गर्दन में भी पेन होता है, अरे ध्यान रखिएगा नेक में, फेस में भी पेन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, तो मरीज को स्वेटिंग देखने को मिलती है, और मरीज को क्या देखने को मिलती है, स्वेटिंग, पसीना आना, घबराहट जैसा देखने को मिलता है, मरीज का शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये वाले सिम्टम आते हैं एमआई के मरीज में, सीवियर चेस्ट पेन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको पता है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दो प्रकार के एमआई होते हैं, एक होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और एक होता है नॉन एसटी सेगमेंट, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर आपसे बोला जाता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन के लिए क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू थ्रोम्बस। अरे ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के कारण, और ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, ड्यू टू प्लेटलेट, प्लेटलेट एग्रीवेशन, और ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्लेटलेट एग्रीवेशन के कारण देखने को मिल रहा है। अरे किसके कारण देखने को मिल रहा है, प्लेटलेट एग्रीवेशन के कारण, प्लेटलेट जम गए, तो यहां एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, इसका इलाज क्या देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा आपको थ्रोम्बोलाइटिक, अरे क्या देना पड़ेगा, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां नाम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्या नाम आएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज, और क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, सबसे बढ़िया यही है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ध्यान रखिएगा ये बेस्ट होता है। और इसके लिए कौन सी दोगे, तो इसके लिए अपन टीका देंगे एंटी प्लेटलेट, इसके लिए कौन सी दे देंगे, एंटी प्लेटलेट दे देंगे, कई बार स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज का इनका एंटीडोट चलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोल दे इनका एंटीडोट क्या होता है, एमाइनो कैप्रोइक एसिड काम में लिया जाता है, अगर इनका इसका एंटीडोट क्या देखने को मिलता है इसका, तो एंटीडोट का नाम क्या देखने को मिलता है, एंटीडोट एमाइनो कैप्रोइक एसिड, अरे क्या देखने को मिलता है, तो लिख लीजिएगा एमाइनो कैप्रोइक एसिड, अरे क्या एंटीडोट देखने को मिलता है, एमाइनो कैप्रोइक एसिड वाली चीजें देखने को मिलती है, समझ में आ गया, राइट आंसर क्या चला गया, बी,
नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, ये ध्यान से देखें, पहचाने परखें और अपना बेहतरीन आंसर दें। टुकर टुकर ना देखें, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। मुन्ना लाइक और लाइव वाले दोनों आंकड़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा। सबने एक ही तरफ अपना रुझान दिखाया है। द नर्स नाउ देट द विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। कौन सा ऐसा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है? पल्मोनरी ब्लड फ्लो का मतलब किस साइड में? लंग साइड में फ्लो बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर में, टैप में, पल्मोनरी स्टेनोसिस में या कोएक्शन ऑफ एओर्टा में। कॉमन सेंस है, चारों के डायग्राम बना देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला लिखा है वीएसडी, ये लीजिएगा, और इसमें मामला कहां देखने को मिल रहा है, ये लीजिएगा साहब, चलेगा। ये क्या बना दिया? वीएसडी। दूसरा किसका बोला? टैप के बाद टॉफ, ये लीजिएगा, इसमें ये वाला चेंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये वॉल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेरो हो जाएगा। ये यहां क्या देखने को मिल रही है? ओपनिंग। और ये क्या हो जाएगा? ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। तो ये आपके सामने क्या बन गया? टेट्रोलॉजी ऑफ एलेट। तीसरे नंबर पे हमसे क्या बोला था? पल्मोनरी स्टेनोसिस। तीसरे नंबर की बीमारी ये लीजिएगा कि ये आपका हर्ट और ये पल्मोनरी वॉल, और ये वॉल हो गया नेरो, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस। और चौथे नंबर पे देखने को मिल रहा है कोएक्शन ऑफ एओर्टा। तो ये हर्ट होता है, हर्ट का असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, ये डिसेंडिंग डिसेंडिंग और डिसेंडिंग एओर्टा का क्या हो जाना? नेरो। डिसेंडिंग एओर्टा का क्या हो जाना? डिसेंडिंग एओर्टा का नेरो हो जाना। तो कुल मिला के ये चार बीमारियां देख ली। अब अपने को बोल रहा है कि पल्मोनरी साइड में ब्लड फ्लो, तो सबसे पहले साइनोटिक है, साइनोटिक भी कर लेते हैं। यहां वीएसडी क्या है? वीएसडी एसाइनोटिक है, एसाइनोटिक है, तो इसमें संटिंग क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। इसमें संटिंग क्या होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। टॉफ क्या देखने को मिलता है? टॉफ देखने को मिलता है साइनोटिक, और साइनोटिक में संटिंग होती है राइट टू लेफ्ट, यहां राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस में कोई संटिंग वंटिंग होती नहीं है, बस यह कंप्रेशन है, और कोएक्शन ऑफ एओर्टा में भी कोई संटिंग वंटिंग होती नहीं है। तो कुल मिलाकर के कभी यहां ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा प्यारे दोस्तों, इस साइड का राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी में बराबर, इधर लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल का आपका असेंडिंग डिसेंडिंग में जा रहा है। बस यह है कि थोड़ा रास्ता नेरो है, तो अपर बॉडी में हाई और लोअर में लो, लेकिन पल्मोनरी में कोई एज से इतना कंप्रेशन बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, तो यह गलत। इधर ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी वॉल में स्टेनोसिस है। अरे जब मुन्ना पल्मोनरी वॉल में स्टेनोसिस है तो पल्मोनरी के पास में ब्लड ज्यादा कैसे जाएगा? जा ही नहीं पाएगा। जब रास्ता बंद है तो आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, उड़ा दो। इधर मामला चल रहा है संटिंग,
एसाइनोटिक है तो राइट से लेफ्ट में, तो जब खून राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया वो खून तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, तो पल्मोनरी के पास तो खून कम जा रहा है, पहला कारण। दूसरा, इसमें खुद में रास्ता नेरो है, रास्ता ही बंद है तो आगे कुछ जाएगा नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र कंडीशन कौन सी है, वीएसडी। अरे बोले तो एसाइनोटिक डिजीज में पल्मोनरी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, चाहे एएसडी हो चाहे वीएसडी हो और चाहे पीडीए हो, ध्यान रखिएगा एएसडी वीएसडी पीडीए में तो हालांकि पहले नहीं बढ़ता है, इनमें क्या हो रहा है कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल का खून राइट वेंट्रिकल में आ रहा है और राइट वेंट्रिकल में जो खून आएगा वो पल्मोनरी में ज्यादा जाएगा और जो पल्मोनरी में ज्यादा जाएगा वो लंग्स में भी ज्यादा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका राइट आंसर क्या निकल आएगा प्यारे दोस्तों, ये होगा नहीं होगा, अरे ये होगा नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा वीएसडी। जिन बच्चों ने वीएसडी दिया उन सबका सही, और जिन्होंने दिल गलती कर बैठा है या फिर गलती कर बैठा है कोई नहीं, अगली बार नहीं करना है। इसी के साथ आज के दिन के समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन लगा होगा आपको जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला, कंसेप्टोलॉजिक रैशनल से भरपूर सफलता के शिखर पे ले जाने वाला, मजबूती देने वाला, कामयाबी को आप तक पहुंचाने वाला। अपने कॉन्फिडेंस जोश जुनून पागलपन के साथ में पढ़ते रहेगा, क्योंकि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। नो डाउट तुम 360 डिग्री के राफेल स्टूडेंट हो, मेहनत में तुम्हारे कोई कमी नहीं है, तो परिणाम बढ़ चढ़ करके बोलेगा। कल फिर खुद को तैयार कीजिएगा, सुबह 9:30 बजे मिलेंगे कंसेप्ट की धज्जियां उड़ाने के लिए, गूगल को हैंग कराने के लिए। गारंटी है अपने मेंस तक, चाहे आरआरबी तक, चाहे एसजीपीजीआई तक, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ तक, जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो टिके रह जाना 360 डिग्री में, क्योंकि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में, अपने आपको लेकर के आएगा। और नॉर्थ साइड प्री क्लियर करने वाले जितने भी विद्यार्थी है, कमेंट बॉक्स में गूगल पिन है उसको ओपन करें और उसके अंदर अपनी टीए पूरी की पूरी डिटेल को फिलअप करें, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि हमारा आपके सिलेक्शन प्री में कुछ योगदान निकल के आया या नहीं निकल आया। तो जितने भी विद्यार्थी उसका यूटिलाइजेशन जरूर करें। आज के सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें, जो हमें जोश जुनून पागलपन देगा, मजबूती देगा और कल फिर सुबह आपके सामने आने के लिए उत्सुकता देगा। आज के लिए इतना ही, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।